फिरोजाबाद श्री सचिंद्र पटेल द्वारा थाना रामगढ़ पर स्थानीय पार्षद सभासद ग्राम प्रधान तथा ग्रामों में नियुक्त ग्राम प्रहरियों के साथ गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी का प्रमुख उद्देश्य लोगों व पुलिस के बीच में सूचना का आदान प्रदान भली भांति व सजग तरीके से बना रहे, जिससे कि घटित होने वाले अपराधों को रोका जा सके तथा घटित हुए अपराध के बारे में सूचना मिलने पर जल्दी से जल्दी घटना स्थल पर पहुंचा जा सके। स्थानीय स्तर पर छोटी छोटी समस्याएं हैं जो बाद में बड़ा रूप ले सकती है, उनका समय पर सजग रहते हुए निपटारा किया जा सके। जन सुनवाई IGRS में क्या सुधार किया जा सकता है ताकि जन सुनवाई को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। टाइल 100 को किन किन स्थानों पर लगाया जाए जिससे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। महिला सुरक्षा के लिए कहां और किन किन स्थानों पर फूट पेट्रोलिंग की जाए। इसी क्रम में उपस्थित सभी गणमान्य जनों द्वारा अपने अपने विचार व्यक्त किए गए तथा पार्षद व ग्राम प्रधानों द्वारा पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद की इस नई पहल को सराहा गया। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा ग्राम प्रहरियों को ठंड से बचने हेतु कंबल और डंडा व सीढ़ी प्रदान की गई। गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शिक्षाधिकारी कुंडला PRO SSP व थाना रामगढ़ अध्यक्ष मय पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। खबर दिखेगी फिरोजाबाद से रविंद्र कुमार गौतम की रिपोर्ट। मीटिंग की गई है, क्या है पूरा मामला? ये जनपद फिरोजाबाद के रामगढ़ थाने में आज स्थानीय जो पार्षद हैं, जो सभासद हैं और जो ग्राम प्रधान हैं, उनके अलावा जो सभी गांव में ग्राम प्रहरी जो नियुक्त हैं, उन सभी लोगों की गोष्ठी की गई। और गोष्ठी का सर्वप्रथम उद्देश्य तो ये है कि लोगों के बीच में और पुलिस के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप रहता है उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। और जितने भी लोग हैं, लोगों से यही अपील की जा रही है कि शिकायत, ये जो अपराध की रोकथाम है, उसके लिए हम सभी लोग कैसे सहयोग कर सकते हैं। तो सूचनाओं के आदान प्रदान को लेकर के जो स्थानीय स्तर पर समस्याएं हैं, जो विवाद हैं, जो बड़ा रूप ले सकते हैं, उनका चिन्हीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि कई मामले ऐसे हैं जो भूमि विवाद के संबंधित हैं। इस तरीके से लोगों की जन सुनवाई, जो IGRS के एप्लीकेशंस देते हैं, जो उनका फीडबैक हम लोग लेते हैं, उसमें कहाँ पे क्या कमी रह जा रही है ताकि जन सुनवाई को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, इन सभी चीज़ों के ऊपर लोगों से एक बहुत ही अच्छे माहौल में वार्ता हुई है और सभी लोगों की तरफ से एक पॉजिटिव इनपुट और पॉजिटिव फीडबैक आया है। डायल 100 को और कैसे अच्छा किया जाए, कहाँ पे उनका मूवमेंट किया जाए, महिला सुरक्षा के लिए कैसे फूट पेट्रोलिंग को किन जगहों पे और बढ़ाया जाए, सभी चीज़ों पे हम लोगों ने बहुत विस्तृत वार्ता की। और मुझे उम्मीद है कि इन पे कार्रवाई करने के बाद आने वाले समय में लोगों के अंदर एक जो सुरक्षा का एहसास है वो निश्चित ही बढ़ेगा और हम लोग क्राइम कंट्रोल में स्थानीय स्तर पर सक्सेसफुल होंगे।